Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss an important process, resonance. Organic chemistry में या inorganic chemistry में आपने ये word, ये term अधिकतर सुना होगा. तो आज हम इसको explain करेंगे कि इसमें आखिर resonance में होता क्या है, ठीक है ना? जिसको कि हिंदी में आप लोग बोलते हैं, अनुनाद बोलते हैं, okay? तो organic chemistry में organic molecule के लिए किस तरह से यूज किया जाता है, या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोई दे दिया जाए आपको, उसमें किस तरह से इसका यूज किया जाता है. पहले तो होता क्या रेजोनेंस, एक्चुअली आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रॉन होते किसी मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो कुछ होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बनाए होते हैं, कुछ होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जिसका कि कोई बॉन्ड नहीं बनता है. ये तो नॉर्मली हम बोलते हैं. हम मॉलिक्यूल के अंदर ये भी होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होता है, जिसको अगर हम सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं तो एंटी बॉन्डिंग भी बोलते हैं. ये तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कुछ चीजें बताई गई है. हम यहाँ पे केवल आपको रेजोनेंस में ये बताएंगे कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं. पहले तो ये बताते हैं रेजोनेंस में या तो पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे या पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना. रेजोनेंस में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, पाई इलेक्ट्रॉन से हैं या फिर लोन पेयर, ये दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं रेजोनेंस की प्रोसेस में. लेकिन लोन पेयर अकेला है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ठीक है ना. उसके साथ में अल्टरनेट आपके पाई बॉन्ड भी होने चाहिए, तभी लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा. अभी एग्जांपल्स में देख लेंगे इसको. तो रेजोनेंस की प्रोसेस क्या होती है, देखिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन ए मॉलिक्यूल विदाउट डिस्टर्बिंग द एटम, ठीक है ना, इसको बोलते हैं रेजोनेंस. किसी भी मॉलिक्यूल में अगर मैं सिंपल मॉलिक्यूल एक ले लूं, बेंजीन का अगर हम ले लें, देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर आप सबको मालूम है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं इस तरह से. तो बेंजीन में आप क्या करते हैं, इसी का अगर दूसरा अगर स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो आप कुछ इस तरह से बनाते हैं. रेजोनेंस का जो मार्क होता है डबल हेडेड एरो इस तरह से बनाया जाता है, दोनों तरफ एरो बनाते हैं हम. और इसमें क्या करेंगे हम, देखिए पाई बॉन्ड है, आपने डिलोकलाइज किया, इधर पे पाई बॉन्ड बन गया, तो साइमल्टेनियसली आपने इसको भी डिलोकलाइज करना है. अदरवाइज आपने एक बार डिलोकलाइज करोगे तो यहां इसको नहीं हटाओगे तो क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी. दूसरा, आप बिना किसी को आगे शिफ्ट किए इसको इधर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए वहां पर क्या होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, जिसको कि हम यहां पर क्या कहते हैं, ऑर्बिटल होनी चाहिए. अगर उसके पास ऑर्बिटल ही नहीं है तो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा. तो ये अगर यहां आएगा तो ऑब्वियसली कि ये भी आगे शिफ्ट करेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा इसका रेजोनेंस, आप देखिए इस तरह से आप बनाएंगे. ये बॉन्ड आपका यहां आया, ये हो गया, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट किया, ये हो गया, और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट किया तो ये हो गया, ठीक है ना. ये दोनों जो है बेंजीन के स्ट्रक्चर हैं, दोनों ही बेंजीन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं. एक्चुअली बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई, कभी कभी क्या होता है केमिस्ट्री में, अगर आप लोगों ने देखा होगा, केवल सिंगल मॉलिक्यूल से उस कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है. तो हमें क्या करना होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स उसके बनाने होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स उससे बनानी होती है, डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं, अलग अलग गुण होते हैं मॉलिक्यूल के. आप एक ही स्ट्रक्चर से, एक ही संरचना से बहुत सारे गुणों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो आपको बहुत सारे क्या बनाने होते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं. तो उनसे आप उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब ये दो स्ट्रक्चर हमने बनाए, ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो हैं एक इसे सिंगल स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. देखिए आपने देखा यहां पे डबल बॉन्ड है तो इस दूसरे स्ट्रक्चर में यहां पे डबल बॉन्ड नहीं है. इट मींस बिटवीन दीज टू कार्बन कभी सिंगल बॉन्ड भी है, दिख रहा है आपको, कभी डबल बॉन्ड भी है. इट मींस आप सिंगल और डबल, देखिए पूरे में है आपके,
वो डबल बॉन्ड जो है सब जगह पर है, यहां पे नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, देखो यहां दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ओके कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है, तो इट मीन्स है तो सही, कभी है कभी नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इसको हम एक सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रेजोनेंस हाइब्रिड भी उसको हम बोल सकते हैं, इस तरीके से इसको करेंगे। देखिए डबल बॉन्ड यहां पे है या नहीं है, यहां पे है तो यहां नहीं है, यहां है यहां नहीं है, तो इट मीन्स हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से डॉट 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 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये रिप्रेजेंट करता है कि पाई बॉन्ड पूरे में है, ओके पूरे में क्या हो रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। जैसे ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट सेकेंड और ये है आपका थर्ड। जो फर्स्ट और सेकेंड है ये एक तरह से कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, कैनोनिकल फॉर्म्स भी जिसको बोलते हैं। थर्ड वन इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो रेजोनेंस में आपने देखा यहां पे, देखो यहां तो केवल बेंजीन में आपने पाई बॉन्ड को देखो, पाई बॉन्ड को क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह क्या किया हमने, शिफ्ट किया। इसके साथ में कार्बन था, यहां देखिए सभी कार्बन है, उसको लिखने की जरूरत होती नहीं हमें, अंडरस्टूड है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या केमिस्ट्री के भी स्टूडेंट, अगर मैं पूरा ऑल कहूं तो आपको ये सब चीजें अब सब कुछ समझ में आ गया है कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर मैंने कैसे खाली ऐसा बना दिया, क्या है ये इथेन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैंने कहा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बताओ तो ये क्या है, ऐसा कर दिया मैंने, तो आप कहेंगे दिस इज प्रोपेन CH3CH2CH3। तो ये सब चीजें हमें अब हमारी हैबिट में आना चाहिए, केमिस्ट्री की कुछ लैंग्वेज हैं, समझने की चीजें हैं, ओके। तो अब मैं इसमें आगे और कुछ बताता हूं आपको, देखिएगा ध्यान से। हमने क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज किया, देखिए पाई बॉन्ड है फिर यहां शिफ्ट किया, यहां का पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट किया, इट मींस पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया विदाउट डिस्टर्बिंग द एटम, कोई भी एटम को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, देखिए सब एटम अपनी जगह पर बने हैं, CH CH, ये CH बेंजीन में है, यहां पर भी अपनी जगह बने हैं, सभी CH हैं, कोई डिस्टर्बेंस कहीं पे नहीं है, CH CH CH। तो इट मींस डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट डिस्टर्बिंग the एटम विद इन ए मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस, ओके। फिर एक रेजोनेंस हाइब्रिड हमने बना दिया। इसी तरह से मैं अब आपको बताता हूं जहां पे लोन पेयर का पार्टिसिपेशन हो सकता है। यहां पर बच्चे बड़ा कंफ्यूज करते हैं कि सर लोन पेयर का पार्टिसिपेशन, देखिए रेजोनेंस में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इनका एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो सकता है, डिलोकलाइजेशन हो सकता है यानी कि शिफ्टिंग हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, किस किस का, पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर का। अब एक एग्जांपल हम आपको देते हैं लोन पेयर का। अगर मैं ये कहूं आपसे कि क्या NH3 मैंने दे दिया, देखो NH3 मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया है क्लासरूम में, आप लोगों से पूछता भी हूं, NH3 के रेजोनेंस बनाइए, मैंने बच्चों से कहा NH3 के रेजोनेंस बनाइए। अगर मैं ये कहूं कि बच्चों NH3 के रेजोनेंस बनाइए, आप NH3 के रेजोनेंस बनाइए, ये लोन पेयर है, तो बच्चे बनाने लग जाते हैं। तो जो बच्चे बनाने लग जाते हैं वही गलत होते हैं, जो बच्चे नहीं बना रहे होते वो सही होते, क्यों, इसका तो रेजोनेंस बना ही नहीं सकते ना, पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, केवल अगर लोन पेयर है, देखिए केवल लोन पेयर की बात मैं कर रहा हूं, केवल लोन पेयर है तो कोई रेजोनेंस नहीं बनेगा, रेजोनेंस बनने के लिए लोन पेयर के साथ में पाई बॉन्ड भी होना जरूरी है, और वो भी अल्टरनेशन में, वो भी किसमें, अल्टरनेट होना चाहिए, लोन पेयर देन सिंगल बॉन्ड देन पाई बॉन्ड, इस तरह की कंडीशन कहीं पे बन रही है तो वहां पे आपका रेजोनेंस का पॉसिबिलिटीज रहेगा, अदरवाइज इसमें कोई रेजोनेंस नहीं बनेगा। बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि रेजोनेंस कब बनेगा कब नहीं बनेगा। तो आप देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, सपोज दैट वी हैव ए मॉलिक्यूल लाइक फिनॉल, फिनॉल आप ऐसा बनाते हैं, देखिए ये OH यहां पे लिखते हैं, ठीक हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर्स होते हैं, ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर हुए, दो लोन पेयर हुए। अब आप देखिए
मैंने लोन पेयर ऑल्सो कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स इन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेशन डायरेक्टली अभी कुछ नहीं किया हुआ है। अब होता क्या है इसमें, देखो ये जो लोन पेयर हैं, आप देखिए अगर मैं ये दोनों पेयर में से किसी एक पेयर को लेके चलूं, ये लोन पेयर जो है डबल बॉन्ड के साथ में अल्टरनेट अवेलेबल है, अल्टरनेट में है। देखिए कैसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन अ लोन पेयर। अगर इस तरह की पॉसिबिलिटीज कहीं पे है तो ये कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटीज है, तो यहां पे लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेंस की प्रोसेस को शो करेगा। कैसे, देखिए अब आप ये बताइए कि अगर मैं लोन पेयर की बात करूं और पाई बॉन्ड की बात करूं, तो अगर मैं दो चीजें आपको दे दूं कि मैंने लोन पेयर भी आपको दिया और पाई बॉन्ड भी आपके पास में है, दोनों में से किसी को शिफ्ट करना है आपने, तो पहले किसको शिफ्ट करेंगे? लोन पेयर को शिफ्ट करना आसान है। क्यों? लोन पेयर देखिए एक एटम से बाउंड है। अगर मैं इस लोन पेयर की बात करूं तो ये तो एक एटम से बाउंड है, लेकिन पाई बॉन्ड दो एटम से बाउंड है। ठीक है, इट मींस रेजोनेंस की जो प्रोसेस होगी, रेजोनेंस की जो स्टार्टिंग होगी वो लोन पेयर की तरफ से होगी, देन जो है पाई बॉन्ड आपका क्या करेगा, नेक्स्ट कार्बन में शिफ्ट करेगा। तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो लोन पेयर है आपका, ये कहां शिफ्ट करेगा, बेंजीन रिंग की तरफ जाएगा, शिफ्ट होगा। जैसे ही ये रिंग की तरफ यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन में शिफ्ट कर जाएगा। ओके, दैट विल बी द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म्स या फर्स्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस फिनॉल। कैसे, देखिए इस तरह से बनाएंगे आप, और मैं इसको यहां पे बना देता हूं। देखो ध्यान से देखिएगा, देखिए जो चीज अभी शिफ्ट नहीं हुई है, जिसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, उसको पहले बना लेते। देखिए ये जो पाई बॉन्ड है रिंग में और ये जो पाई बॉन्ड है, इसको आपने कहीं भी शिफ्ट नहीं किया है, ये सच अपनी जगह पर बने रहेंगे। आप कुछ इस तरह से इसको बनाएंगे, ये अपनी जगह बना रहेगा। ओके, देन अब आप देखिए जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें आपने देखो ये ओ एच, ये भी अपनी जगह पर बना हुआ है, ओ एच। ओके, और एक लोन पेयर यहां पर बना हुआ है। अब आपने क्या किया, देखो आपने ये किया कि ये लोन पेयर आपका बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट किया यहां पर का, तो यहां बन गया आपका डबल बॉन्ड। ओके, और ये डबल बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट किया, तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ गए, तो यहां क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब ऑक्सीजन ने क्या किया, देखो ये लोन पेयर जो था, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन जो यहां पर थे, एक इलेक्ट्रॉन वो किसको दिया, उसने कार्बन को दिया, तो यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, आपका पॉजिटिव आ जाएगा। दिस वन इज द फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ फिनॉल, पहला स्ट्रक्चर बन गया आपका। यानी कि आप फिनॉल को इस स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिनॉल के जो ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ओ पे जो पॉजिटिव आया है, केवल इसी ओ पे पॉजिटिव आने की वजह से ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है और ये क्या करता है, एच प्लस को रिलीज करता है। इट मीन्स फिनॉल के जो एसिडिक नेचर को अगर एक्सप्लेन करना है तो ये स्ट्रक्चर आपको बनाने पड़ेंगे। अगर ये स्ट्रक्चर आप नहीं बनाते हैं, जो आपका ये स्ट्रक्चर बना हुआ है कैनोनिकल फॉर्म्स, तो इसका एसिडिक नेचर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ओके, ऑक्सीजन में देखिए पॉजिटिव आया तो ही तो आपका ओ और एच के बीच का बॉन्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्ट करेगा। ऑक्सीजन में पॉजिटिव आएगा ही नहीं तो इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करना बहुत टफ पड़ेगा। आपको पता चला कि किसी बच्चे ने गलती से ऐसा कर दिया कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर भेज दिए, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को बाहर भेज दिया, तो ओ और एच के बीच का बॉन्ड तो शिफ्ट नहीं होगा। ठीक हो गया ना। इट मींस अगर आपका बेंजीन यहां पे प्लस एन की तरह बिहेव करने लगे, प्लस मिजोमेरिक इफेक्ट की तरह बिहेव करने लगे, तो फिनॉल क्या नहीं होता आपका, एसिडिक नहीं होता। जैसा कि आप किस में पढ़ते हैं, अल्कोहल में पढ़ते हैं। देखो अल्कोहल में आपका क्या होता है, सी एस थ्री या जो भी आर ग्रुप है वो प्लस आई की तरह बिहेव करता है, इसीलिए तो अल्कोहल कम एसिडिक हो जाता है फिनॉल के कंपेयर में। ठीक है, तो एनीवे उसको हम दूसरे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहां पे नाउ थर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे उसको देखिए। जब रिंग में नेगेटिव आ जाता है या रिंग में कोई चार्ज आ जाता है तो आप चार्ज डिलोकलाइजेशन करिए। जैसे अभी रिंग में फिनॉल में जब रेजोनेंस बना रहे तो फिनॉल में रिंग में क्या चार्ज आया, नेगेटिव आया, तो नेगेटिव को डिलोकलाइज करिए। आप नेगेटिव को एक जगह से दूसरी जगह भेजिए, दिस इज कॉल्ड चार्ज डिलोकलाइजेशन। नाउ दिस वन शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस, ओके, एंड दिस पाई बॉन्ड शिफ्टेड टू द नेक्स्ट कार्बन।
तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और क्या बनेगा, देखिए ये आपकी जगह बना रहेगा, ये डबल बॉन्ड आपकी जगह बना रहेगा, यहां पे आपको क्या करना है, ये नेगेटिव आ जाएगा यहां पे, ठीक है ना, और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पे एज सच बना रहेगा, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, ये हो गया। ओके नाउ अगेन चार्ज डीलोकलाइज करिए, ये यहां शिफ्ट होगा तो ये नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, अभी ये आपकी जगह बना रहेगा, तो इसके बाद वाला स्ट्रक्चर मैं यहां पे लेके आ रहा हूं, देखिएगा ये हो गया इस तरीके से, यहां पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, यहां पे ओ पे एच, एंड देन यहां पे पॉजिटिव चार्ज, एंड डबल बॉन्ड हियर, डबल बॉन्ड हियर, एक स्ट्रक्चर और बन गया हमारा। इसके बाद और नेक्स्ट आप तब तक देखिए कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे जब तक कि आप ओरिजिनल तरह के स्ट्रक्चर में ना पहुंच जाए, यानी कि इस तरह के स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, देखिए ये यहां शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड वापस उसकी जगह पर जाएगा ऑक्सीजन पे, तो लास्ट एंड फाइनल आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और यहां पे आपका आ गया क्या, ओ एच। ओके तो देयर आर फाइव स्ट्रक्चर्स, यहां पर पांच स्ट्रक्चर बन गए आपके, ये पांचों स्ट्रक्चर जो हैं फिनॉल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। ओके अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी को ये एक्सप्लेन करेंगे, क्यों फिनॉल जो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होती है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, इसी से पता चलेगा आपको, क्यों फिनॉल जो है अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो तो मेटा डायरेक्टर होगा, इन्हीं से पता चलेगा आपको। तो इट मीन्स रेजोनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस, जितनी भी रिएक्शंस हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं रेजोनेंस की प्रोसेस के द्वारा ही उसको आइडिया लगाया जाता है कि कोई इनकमिंग कोई ग्रुप होगा, जो रिएजेंट से कोई ग्रुप अगर सबस्ट्रेट में ऐड होना है तो किस पोजीशन पे ऐड होगा, क्यों वहां पे ऐड होगा, ये सब चीजें कौन बताता है, हमारा रेजोनेंस ही बताता है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप रेजोनेंस की प्रोसेस को अगर बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं तो आप मॉलिक्यूल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को, कोई मॉलिक्यूल एसिडिक है या नहीं है, कम है या ज्यादा है, ये भी इससे समझा जा सकता है, क्योंकि रेजोनेंस में कोई ग्रुप होगा, देखिए कोई ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करके, कोई होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, जिसको कि हम बोलते हैं कहीं प्लस आर ग्रुप बोल देते हैं, कहीं पर माइनस आर बोल देते हैं, कहीं पर प्लस एम बोल देते हैं, कहीं पर माइनस एम बोल देते हैं, वो सब चीजें इसके अंदर आती है। जैसे अगर मैं इन केस ऑफ दिस फिनॉल अगर मैं बात करूं ओएच ग्रुप क्या ग्रुप है, अगर इसको एम में, एम मीन्स होता है मेजोमेरिक, ठीक है ना, एक तरह से मेजोमेरिक और रेजोनेटिंग इफेक्ट एक जैसा ही है आपका। अगर मैं बात करूं यहां पर फिनॉल के केस में कि ओएच ग्रुप यहां पर किस तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की तरह काम कर रहा है बेंजीन की तरह, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम कर रहा है, तो आप देखिए आपने जो पहला स्ट्रक्चर हमने जो इसको बनाने की कोशिश की, लोन पेयर कहां की तरफ गए, रिंग की तरफ गए, तो इट मींस ओएच ने यहां पर किसकी तरह काम किया है, ओएच ने प्लस एम की तरह काम किया है, ठीक है ना, और बेंजीन रिंग ने यहां पर किसकी तरह काम किया है, माइनस एम की तरह काम किया है। और कभी भी ये आप याद करने की कोशिश मत करना, मेमोराइज कर देते हैं बच्चे कि बेंजीन रिंग जो है या फिनाइल रिंग जिसको हम बोले कि वो हमेशा माइनस एम या प्लस एम होता है, ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि अटैच्ड ग्रुप कैसा है, उसके अकॉर्डिंग फिनाइल का बिहेवियर बदलता है, फिनाइल कभी प्लस एम होता है कभी माइनस एम होता है, ठीक हो गया ना। ओके तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए मैंने, ये आपके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाए। देखो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या किया, फिर हमने लोन पेयर और पाई बॉन्ड को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया विदाउट डिस्टर्बिंग द एटम, एटम अपनी जगह पर बने रहेंगे, अगर एटम को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो कुछ रिएक्शन आप कर रहे हैं, वो रेजोनेंस नहीं माना जाएगा। ओके लोन पेयर यहां आया, ये यहां शिफ्ट हुआ, देन आपने इसको शिफ्ट किया अंदर ही अंदर, जो है जो आपका चार्ज था उसको शिफ्ट किया एक जगह से दूसरी जगह, किसी भी एटम को इधर उधर डिलोकलाइज नहीं किया। मैं डेफिनेशन को दोबारा बोलूंगा, देखिएगा ध्यान से, डिलोकलाइजेशन ऑफ द पाई बॉन्ड एंड अ लोन पेयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट डिस्टर्बिंग द एटम विद इन ए मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड आपका क्या, रेजोनेंस। ओके अब रेजोनेंस का इंपॉर्टेंस देखिए कितना ज्यादा है। अब मैं एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको बताऊं, आपने देखा होगा जो सिंगल बॉन्ड है, देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, अगर मैं सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 अगर ले लूं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है,
तो इसकी अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये तो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ओके, अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करूं, तो ये तो हो जाता 1.34 एंगस्ट्रॉम। ओके, लेकिन अब आप देखिए बेंजीन में भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये कहां होना चाहिए आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देखिए 1.34 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ये 1.34 होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए बोलो, सिंगल बॉन्ड वाला 1.54, ऐसा होना चाहिए ना, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। होता क्या है देखिए कि क्योंकि डबल बॉन्ड कहां पे है, सब जगह डबल बॉन्ड है, इससे ये प्रूफ होता है कि ये डबल बॉन्ड एक जगह पर नहीं है, डबल बॉन्ड पूरे में है, डीलोकलाइज कर रहा है। तो यहां पे जितने भी यहां पर बॉन्ड लेंथ है, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो लेंथ आपकी जो है 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है, रेजोनेंस की वजह से ही ये हो रहा है। कार्बन कार्बन जितने चाहे इसकी बात करें या इसकी बात करें, ये सभी क्या है 1.40 एंगस्ट्रॉम, कहीं पर 1.39 एंगस्ट्रॉम भी लिखा होगा, उसको कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है ना। ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन आर इक्वल टू 1.40 एंगस्ट्रॉम, दिस इज ओनली ड्यू टू द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड विद इन अ मॉलिक्यूल। ओके, पूरे में घूम रहा है, पूरे में डिलोकलाइज हो रहा है, नहीं है किसी जगह पर लोकलाइज्ड, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर जगह पर लोकलाइज होता तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी आती 1.54 और डबल बॉन्ड की कितनी आती 1.34, लेकिन वो एक जगह पर डिलोकलाइज नहीं है, एक जगह पर लोकलाइज्ड नहीं है, डिलोकलाइज है और पूरे रिंग में घूम रहा है। दैट्स व्हाई वो कितना है आपका 1.40 होगा आपका बेंजीन में, 1.54 तो हमारा सिंगल बॉन्ड में। तो ये सभी क्या होंगी आपकी 1.40 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ये रेजोनेंस काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप एक्सरसाइज भी करिएगा। मैं एक मॉलिक्यूल यहां पे लिख देता हूं, आप उसको बनाइएगा, ठीक है ना। तो एक मॉलिक्यूल है एनिलीन, एनिलीन के आप जो है रेजोनेंस बनाइएगा। एनिलीन मैंने यहां पर स्ट्रक्चर लिख दिया देखिए, और यहां पे इसमें एनिलीन में जो यहां पे नाइट्रोजन है उसके ऊपर क्या रहेगा, एक लोन पेयर रहेगा। तो इसका जो रेजोनेंस आप बनाएंगे ना, वो दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू आपका फिनॉल की तरह ही बनेगा, फिनॉल से कोई भी अलग नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से आप बनाइएगा एक CO2 का, बनाइएगा CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करिएगा CO32 नेगेटिव का। तो अगर इनके रेजोनेंस आप बना लेते हैं तो आपको काफी इस पे रेजोनेंस में कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच, नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।